नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि त्रिपुरा में होने वाले निकाय चुनाव से पहले आधी से ज्यादा सीटों के चुनाव रिजल्ट घोषित हो गए हैं। त्रिपुरा की 334 सीटों पर होने वाले निकाय चुनाव में 112 सीटों के चुनाव रिजल्ट घोषित हो गए हैं। आगे हम आपको रिजल्ट के आंकड़े दिखाएंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीती है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी में एक दिग्गज नेता शामिल हुए हैं, कौन से वो नेता हैं इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर कासगंज में एक और मुस्लिम युवक की जो है पुलिस कस्टडी में हुई मौत, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर के विवाद शुरू हो गया है, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के एक सांसद का विवादित बयान, तेलंगाना के सीएम को लेकर के विवादित बयान दिया है एक बीजेपी सांसद ने, क्या कुछ कहा है उनके बयान को भी सुनाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आर्यन खान ड्रग मामले पर अब नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस को लेकर के एक और बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। नवाब मलिक का बहुत बड़ा धमाका, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ कहा इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के अपने ही नेता अब पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, किस तरह से इसकी भी एक तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसानों के बीच इसको लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, सिंधु बॉर्डर के ऊपर अब एक और किसान की कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, 7500 जवानों को लेकर के बड़ा ऐलान है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि कुछ दिन पहले ही 14 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद त्रिपुरा में बताया जा रहा है कि 334 सीटों में होने वाले निकाय चुनाव से पहले ही 112 सीटों पर निर्विरोध कैंडिडेटों के चुनावी यानी रिजल्ट का ऐलान हो चुका है। आपको हम खबर दिखा रहे देख सकते हैं, त्रिपुरा निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने मंगलवार को कहा है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में नगर निकाय चुनाव में कुल 334 सीटों में से 112 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। अधिकारी ने बताया कि सोमवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था और छठनी की तारीख 5 नवंबर तय की गई थी। 2018 में सीमावर्ती राज्य में सत्ता में आने के बाद भाजपा का यह पहला निकाय चुनाव होगा। अधिकारी ने बताया कि विपक्षी माकपा के 15, तृणमूल कांग्रेस के 4 और कांग्रेस के 8 और AIEFB के 2 और 7 निर्दलीय उम्मीदवार सहित 36 उम्मीदवारों ने सोमवार को अपना नामांकन वापस लिया है, जिसके बाद 112 से ज्यादा सीटों पर जो है बीजेपी ऐसे ही निर्विरोध चुनाव जीत गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है दोस्तों, पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर, आप इस खबर को देख सकते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। युवा आम आदमी पार्टी की विधायक रूपिंदर जो है कौर रूबी ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, यानी कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि रूबी जो है कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकती है। रूपिंदर कौर रूबी ने अपने इस्तीफे का ऐलान सोशल मीडिया पर करके आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कासगंज में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर साथ ही साथ पुलिस की पोल खुल गई है, आप इस खबर को देख सकते हैं। कासगंज में एक और मुस्लिम युवक की पुलिस कस्टडी में मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक लड़की के मामले में पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार कर ली गई पुलिस ने एक युवक को कासगंज के थाने में रखा था, जहां पर संदिग्ध हालत में वो युवक जो है उसकी कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि युवक का नाम अल्ताफ बताया जा रहा है, जिसके पिता ने सीधे तौर पर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी वजह से और उन्होंने ही उनके बेटे को खत्म किया है। तो ये उत्तर प्रदेश का राम राज्य है, जहां पर पुलिस कस्टडी में भी लोग सेफ नहीं है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है दोस्तों, बीजेपी के एक सांसद का तेलंगाना के सीएम KCR के खिलाफ विवादित बयान, आप इस खबर को देख सकते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के केंद्र सरकार पर और भाजपा पर आरोपों की झड़ी लगाने के एक दिन बाद भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी ने KCR पर हमला बोला है। निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद धर्मपुरी ने मुख्यमंत्री की तुलना गीदड़ से कर डाली है।
समाचार एजेंसी एनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भाजपा सांसद धर्मपुरी ने कहा है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, जबकि सीआर की राजनीतिक मौत का समय आ गया है तो वह मोदी से पंगा ले रहे हैं और मोदी सरकार से झूठ बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विवादित बयान केसीआर जो कि तेलंगाना के सीएम है उनके खिलाफ बीजेपी के सांसद ने दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र में आर्यन खान के ड्रग्स मामले के बाद अब देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के बीच लगातार टकराव जारी है। आप इस खबर को देख सकते हैं, एक दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगाया था कि उनका जो संपर्क है वो डी ग्रुप से है, लेकिन उसके बाद अब बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है। देवेंद्र फडणवीस के आरोपों का जवाब देते हुए नवाब मलिक ने आज पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने अंडरवर्ल्ड के लोगों को महामंडलों पर अध्यक्ष बनाया है। 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी की गई थी, देश भर में जाली नोट पकड़े जाने लगे थे, लेकिन 8 अक्टूबर 2017 तक महाराष्ट्र में एक भी जाली नोट का मामला सामने नहीं आया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में जाली नोटों का खेल महाराष्ट्र के अंदर चल रहा था। यह आरोप जो है नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के नेता और पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर लगाया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों एक बार फिर से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी प्रशासन की खुली पोल। एक बीजेपी के दलित विधायक ने अपने ही प्रशासन और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़कों के ऊपर धरना देना शुरू कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति कलेक्ट्रेट के जो है खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। जानकारी के मुताबिक अपनी ही शिवराज सरकार में अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठे राजेश प्रजापति ने आरोप लगाया है कि कलेक्टर उनसे नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शायद दलित होने की वजह से उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अब आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जब उनके विधायकों के दलित होने की वजह से उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है, तो आज जनता का क्या हाल होगा ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सिंधु बॉर्डर से एक और दुखद खबर किसानों को लेकर के सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं, सिंधु बॉर्डर पर एक और किसान की कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है। फंदे पर लटका मिला है किसान का शव, यानी कि किसानों की लगातार कैजुअल्टी जो है कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में होती जा रही है, उसके बावजूद भी आज मोदी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे टेररिस्ट अटैक के बाद मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, टारगेट किलिंग पर एक्शन में केंद्र सरकार तैनात किए जाएंगे सीआरपीएफ के 7500 अतिरिक्त जवान। यानी कि जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों को जिस तरह से टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में 7500 अतिरिक्त जवानों को कश्मीर के अंदर तैनात करने का फैसला लिया है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।